नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूत्कर्षा इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ये एक वीडियो था जो बचा हुआ था, ये एक अध्याय एशियंट हिस्ट्री में जो बचा हुआ था उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इसी के साथ में प्राचीन इतिहास का आज ये समापन हो जाएगा। और आज ये अंतिम वीडियो है राष्ट्रकूट, और इसके बाद प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। हालांकि कुछ टॉपिक जो हैं जिनके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, जैसे धार्मिक आंदोलन के ऊपर मैं बना दूँगा, धार्मिक आंदोलन बता दूंगा, और मैं इसके साथ साथ में मैं देखूंगा तो और कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जिसके बारे में बताएंगे, जैसे पुस्तकों के बारे में, कौन सी पुस्तकें किसने लिखी है, कौन सी किसकी उपाधि है, इसके ऊपर आने वाले समय में इसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। तो एक आता है कि किसके टाइम पर कौन सा यात्री आया है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। तो एक कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑफिशियली तरीके से कह सकते हैं प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। हालांकि मिडवल में जब हम देखेंगे तो यादव वंश हो, देवगिरी के यादव हों, होयसल हों, ये सब टॉपिक बचे हुए, और कश्मीर का सामीर वंश है, इन सबको हम आगे बता देंगे। लेकिन फिलहाल एशियंट हिस्ट्री में आज यहीं पर समापन हो जाएगा एशियंट हिस्ट्री के ऊपर। ये सभी टॉपिक जो मैंने बताए हैं ये सब आने वाले समय में इनको भी जल्दी ही बताएंगे, लेकिन एक कह सकते हैं जो मैं श्रृंखला चला रहा था तो उसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास समाप्त आज हो जाएगा। हालांकि इसमें सिलेक्टेड टॉपिक जो होंगे जिनको दोबारा बताया जाएगा, जो मैंने अभी टॉपिक आपको बताए हैं। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो इसका संस्थापक जो है वो दंती वर्मा है, लेकिन इसमें आपको याद नहीं रखना दंती वर्मा को, संस्थापक दंती वर्मा है, लेकिन इसके बारे में परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। शुरुआती तौर पे संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो दंती दुर्ग को माना जाता है। तो परीक्षा में यही प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग है। दंती मतलब हाथी, दुर्ग मतलब जिसका दुर्ग जो है वो हाथी हो, उसको दंती दुर्ग बोला गया। तो इस इन लोगों का मूल स्थान जो था वो लातूर था, अर्थात लातूर जो है वो आप जाने ना महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, आप जाने लातूर महाराष्ट्र में, सूखा वगैरह खूब पड़ता है लातूर में। राजधानी जो थी वो क्या थी, मान्यखेत थी। ये पूछा जाता है राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी, तो मान्यखेत थी। मैप में जब आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा राष्ट्रकूटों का दिख रहा है। हालाँकि राष्ट्रकूट जो है वो उत्तर भारत में भी दखल देते हैं, उत्तर भारत में देखेंगे तो ये जब त्रिपक्षी संघर्ष में भी ये हिस्सा लेते हैं, तो याद रखिएगा त्रिपक्षी संघर्ष में हिस्सा लिया है। ये शुरुआत में देखेंगे तो बादामी के चालुक्य वंश के सामंत थे शुरुआत में हम देखेंगे, लेकिन आगे चल करके ने जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का अंत भी आगे चल करके जब चालुक्य वंश का ही होगा। चालुक्य वंश ही इनका अंत करेगा, और तैलब द्वितीय क्या करेगा, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य की स्थापना करेगा। तो हम वो पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए इस वीडियो में देखते हैं दंती दुर्ग के बारे में। दंती दुर्ग अभी देखिए हाल ही में जो परीक्षाएँ वगैरह हो रही उनमें आप देख रहे होंगे, देखिए परीक्षा का पैटर्न कुछ ऐसा है, प्रश्न खास करके उपाधियों से खूब पूछे जा रहे हैं, उपाधि और रचनाएं, ऐसे कोई कवि वगैरह जो है ये हाल की रचना पूछ लिया गया है, मान लीजिए कोई और कवि है, या मतलब कोई किसी की अगर जो मान लीजिए कोई ऐसा शासक है जिसने कोई किताब लिखी है उसकी रचना, ये सब पूछा जाता रहा है, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता इसको बोला जाता है, तो राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता दंती दुर्ग है। इसने सिंध में अरब आक्रमणकारी जुनैद को नवसारी के युद्ध में हराया था। तो किसके काल में जुनैद ने आक्रमण किया, दंती दुर्ग में। तो अरब आक्रमणकारी था जुनैद, जिसको नवसारी के युद्ध में हराया था। तो नवसारी के युद्ध में अरब वर्सेज, एक प्रकार से कह सकते हैं अरब वर्सेज राष्ट्रकूट के बीच में युद्ध हुआ था। उज्जैन पर अधिकार कर हिरण गर्भधान यज्ञ करवाया था, तो हिरण गर्भधान यज्ञ करवाया। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया, अभी हम आगे बात करेंगे एलोरा में मंदिर आएंगे तो उसमें कई सारी हैं, तो उसमें गुफा वगैरह हैं, तो गुफा मंदिर बने हुए, कैलाश मंदिर हो, दशावतार मंदिर हो, कई सारी चीज़ें अभी इसी वीडियो में आगे आएंगे। फिर बात करेंगे कृष्ण फर्स्ट की। कृष्ण फर्स्ट की जो ड्यूरेशन है वो 758 से 772 है, जिसे शुभतुंग भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा अभी शुभतुंग आएगा, नृपतुंग आएगा, अभी सब कुछ आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। शुभतुंग कौन है, कृष्ण प्रथम है, याद रखिएगा। आपसे मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, एक तरफ शासक दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ दे दिया जाएगा इनकी उपाधियां कौन सी हैं, शुभतुंग नृपतुंग, अभी आएंगे आगे सब, तो इनको याद रखिएगा। चालुक्य सत्ता के अंतिम रूप से इसने समाप्त कर दिया था, चालुक्य सत्ता को अंतिम रूप से समाप्त किया, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद में शासक आएगा गोविंद सेकेंड, जिसको प्रभुत वर्ष या विक्रमावलोक की उपाधि भी थी, और आगे चल करके शासक आएगा ध्रुव, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ध्रुव की आइए बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं धारावर्ष, ध्रुव को क्या बोला जाता है, धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं। इसकी उपाधि है कविवल्लभ श्रीवल्लभ धारावर्ष, तो देख कविवल्लभ श्रीवल्लभ मत याद रखिए, इसमें लगभग शासक ये सब उपाधियाँ धारण करते रहे, लेकिन आप धारावर्ष जरूर याद रखिएगा ध्रुव। और ध्रुव को मैं बता दूँ कि त्रिपक्षी संघर्ष में इसने हिस्सा भी लिया था ध्रुव। इसके बाद में शासक आएगा गोविंद थर्ड,
794 से 814 ईस्वी तक रहा था। इसकी राजधानी, इसकी मतलब जो उपाधि है, ये जगतुंग है। इससे पहले शुभ तुंग आएगा, अभी नृपतुंग आएगा, जगतुंग है। कीर्ति नारायण और विक्रम इसकी उपाधियाँ हैं। लंका अभियान भी किया था इसने, याद रखिए। कहते हैं लंका के शासक को और उसके जो कह सकते हैं जो उसके मंत्रिपरिषद में शामिल सभी लगभग सदस्यों को उठा करके ले करके चला आया था। तो लंका अभियान इसने किया था, याद रखिएगा। अब देखिए आया अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को बोलते हैं नृपतुंग। मिलाने के लिए दे दिया जाए तो आप मिला लेंगे, गोविंद थर्ड वगैरह सबको आप मिला लेंगे। तो नृपतुंग कौन है? अमोघ वर्ष। इसका नाम, मूल नाम क्या है? सर्व है। उपाधि वीर नारायण की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वीर नारायण किसकी उपाधि? तो अमोघ वर्ष की है, इसे नृपतुंग भी बोलते हैं। और मूल नाम इसका सर्व है, उपाधि वीर नारायण है। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएगा, आपकी कभी भी परीक्षा में इसे भेंट हो सकती है कि वीर नारायण किसको बोलते हैं। सर्वाधिक अभी तक शासन करने वाला राष्ट्रकूट शासक था, ये भी याद रखेगा। और ये करीब 64 वर्षों तक शासन किया, 814 से 880 ईस्वी तक इसने शासन किया था। रचना इसकी कविराज मार्ग है। कविराज में देखिए, ये तो बहुत बार पूछा गया है, कविराज मार्ग, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कविराज मार्ग और रत्नमालिका, देखिए रत्नमालिका तो उतना नहीं आता लेकिन कविराज मार्ग पूछा जाता। कविराज मार्ग किसकी रचना है? तो अमोघ वर्ष की है। और ये भी याद रखिएगा, अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का पोषक था, मतलब जैन धर्म का संरक्षण इसने दिया था। और गुरु थे जिनसेन, जिनके संरक्षण में इसने जैन धर्म को अपनाया था। इसकी रचना थी आदि पुराण और हरिवंश। जिनसेन की रचना है तो हरिवंश और आदि पुराण पूछा जा सकता है। किसकी रचनाएं हैं? तो जिनसेन की रचनाएं हैं। और हालांकि ये जैन धर्म का कह सकते हैं मान्यता तो जैन धर्म में था, मानता था उसको, लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे तो इसके काल में अकाल पड़ता है। तो इसने हालांकि ऐसा नहीं कि इसने सिर्फ शैव धर्म को भी इसने मान्यता दी और कहते हैं कि वो अपनी उंगली भी काट करके इसने चढ़ा दी थी अकाल के टाइम पे। आश्रय की बात करेंगे तो इसने आश्रय दिया था, महावीराचार्य को दिया था आश्रय, जिनकी रचना है गणित सार संग्रह। और दूसरे हैं शाकंतायन, जिनकी रचना है अमोघ वृत्ति। तो ये सब ज़्यादा तो नहीं आते हैं लेकिन आप लाइव याद अपने दिमाग में हल्का सा रख जरूर लीजिएगा कि ये भी चीज़ें हैं, हो सकता आ जाए कभी परीक्षा में। गणित सार संग्रह हो सकता पूछ लिया जाए, महावीराचार्य की रचना है गणित सार संग्रह। अन्य जब हम आगे चल करके देखेंगे तो अमोघ वर्ष ने मान्यखेत नगर की स्थापना की और राजधानी बनाया, नगर की स्थापना की तथा राजधानी भी बनाता है। तो अमोघ वर्ष ने मानखेत नगर की स्थापना की थी। पूछ लिया जाए मानखेत राजधानी किसने बनाया? तो अमोघ वर्ष ने बनाया। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, तो याद रखिएगा अरब यात्री सुलेमान। तो अरब यात्री सुलेमान किसके काल में आया था? तो आप याद रखिएगा अरब यात्री सुलेमान जो था वो अमोघ वर्ष के काल में आया था। और ये जब राष्ट्रकूट के दरबार में आया था तो उसने अमोघ वर्ष के साम्राज्य को 4 महान साम्राज्यों में से एक बताया था। और 4 साम्राज्य, महान साम्राज्य कौन थे उसमें? 4 में देखिए, चीन, रोम, बगदाद और राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो ये 4 थे जिसका जिक्र सुलेमान ने किया। हो सकता पूछ लिया जाए इनमें से कौन नहीं था, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा। मिस्र वगैरह नहीं है, याद रखिएगा। कृष्ण सेकंड आएगा, जिसकी गुरु हैं गुरुचंद्र, जिनकी रचना है उत्तर पुराण, नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आएगा इंद्र थर्ड, कोई मतलब नहीं जानना है। अमोघ वर्ष सेकंड नहीं जानना है, गोविंद फोर्थ नहीं जानना है, अमोघ वर्ष थर्ड नहीं जानना है। ये सिक्वेंस में हो सकता पूछ ले तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद में आएगा कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड की उपाधि हम देखेंगे तो इसकी उपाधि अकाल वर्ष, वल्लभ नरेंद्र, दक्षिणाधिगाधिपति, ये इसकी उपाधियां हैं। और तक्कोलम के युद्ध में चोल वर्सेज राष्ट्रकूट में राष्ट्रकूट विजयी हुए थे, इसके के काल में हुआ था तक्कोलम का युद्ध, याद रखिएगा। तो कृष्ण थर्ड याद रखिएगा, दक्षिणाधिगाधिपति किसकी उपाधि है? तो कृष्ण थर्ड की उपाधि है। और इसमें हम जब देखेंगे तो वल्लभ नरेंद्र किसकी उपाधि है? तो भी ये कृष्ण थर्ड की उपाधि है। अकाल वर्ष वगैरह भी आप याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे जब हम देखेंगे तो इसने आश्रय दिया था शांति पुराण के जो लेखक हैं, शांति पुराण के लिए कन्नड़ रचना है शांति पुराण, पुण्य को दिया था। तो पुण्य पूछ सकता है, इसको इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिएगा। और ज्वाला मालिनी कल्प रचना है पुष्पादंत की। और कवि रहस्य की रचना है हलायुद्ध की। तो कवि रहस्य याद रखिएगा, हलायुद्ध की रचना है। और इसके बाद में जब हम देखेंगे तो कर्क सेकंड आएगा। कर्क सेकंड जो है वो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है, जिसको तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक वंश की इसके बाद में स्थापना की थी, हराया था इसको, क्या कहता, हराया था कर्क द्वितीय को हराया था। उसके बाद में तैलप द्वितीय ने कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य की स्थापना कर दी थी। हालांकि इन्होंने भी वादामी के चालुक्यों की स्थापना भी देखिए अंत करके ही हुई थी। वादामी के चालुक्य वंश की मतलब कि
हरा करके ही राष्ट्रकूट वंश बना था, और राष्ट्रकूटों को हरा करके फिर चालुक्य वंश बन गया, मतलब स्थापना हुई है। तो याद रखें, अन्य तथ्यों में जब हम देखेंगे तो इन काल में जब हम देखेंगे तो महासंधि विग्रह का जिक्र आता है, ये विदेश मंत्री था, और धर्माधिकारिन जो था वो प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था। प्रधान न्यायाधीश कौन है? धर्माधिकारिन, और महासंघ विग्रह जो है वो विदेश मंत्री है। साम्राज्य जो था, मान लीजिए टोटल जो साम्राज्य है, साम्राज्य को जो हम देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे प्रांत जो थे, प्रांतों को बोला गया राष्ट्र। प्रांतों को क्या बोला जाता था? राष्ट्र बोला जाता था, जिसका प्रमुख जो होता था राष्ट्रपति होता था। राष्ट्रों के नीचे जो थे इन्हीं में छोटे छोटे क्या होते थे? जिला होते थे। जिला को बोला गया विषयपति, इसका प्रमुख। तो विषय राष्ट्रों को नीचे विषय थे, विषय जो थे वो जिला थे, और इनका प्रमुख जिला विषयपति था। और जिले के अंदर, मतलब विषय के नीचे जो हम देखेंगे तो भुक्ति थी, जो आधुनिक तहसील के समान थी, इनका प्रमुख भोगिक कहलाता था। याद रखिएगा, भूमिकर का भी जिक्र में मिलता है। भूमिकर हम देखेंगे तो उसको उपरक या तो उद्रंग बोलते थे, जो 1/4 भाग होता था। और राज मुद्राओं पर गरुड़ का अंकन भी इनके काल में हमें देखने को मिलता है। हालांकि जब हम देखेंगे तो वैष्णव धर्म के, मतलब कि यहाँ के जो शासक जितने भी हैं, सभी शासक वैष्णव धर्मानुयायी हैं। सभी शासक कैसे हैं? वैष्णव धर्मानुयायी थे। लेकिन अमोघवर्ष तथा गोविंद थर्ड की बात करेंगे तो ये कौन थे? ये जैन से रिलेटेड थे, याद रखिएगा। इसी काल में हम देखेंगे तो हमें राष्ट्रकूट काल में देखने को मिलता है दस कुमार चरितम और काव्य दर्श। देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम संस्कृत की रचना है और काव्य दर्श कन्नड़ की रचना है। दोनों के रचनाकार दंडिन है, याद रखिएगा। दंडिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दस कुमार चरितम बहुत बार पूछा गया, दंडिन की रचना है। स्थापत्य कला की बात करेंगे तो एलोरा की गुफाएं फेमस हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। इनमें कुल गुफाओं की संख्या जो है वो 34 है, जिनमें से 1/12 बौद्ध, 12 से 29 ब्राह्मण अर्थात शिव से रिलेटेड है, 30 से 34 जैन से हैं। गुफा संख्या 12 को तीन थाल के नाम से भी जानते हैं, तो गुफा संख्या 12 तीन थाल के नाम जानी जाती है। इसमें 8 सिर वाले बोधिसत्व की प्रतिमा सबसे फेमस है। गुफा नंबर 14 को रावण की खाई बोलते हैं, वैसे ज़्यादा जानना नहीं लेकिन दिमाग में रख सकते हैं। दशावतार गुफा संख्या 15 दंत दुर्ग निर्माण करवाया था, अभी देखिए पहले मैंने बताया है। कैलाश मंदिर जो है वो गुफा संख्या 16 में है। अभी पूछा गया था प्रश्न, जो कैलाश मंदिर है वो किस गुफाओं में स्थित है? तो गुफा संख्या 16 में है और एलोरा की गुफाओं में स्थित है। निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने किया था, ये एकाश्म पत्थर से निर्मित है, तो याद रखिएगा एकाश्म पत्थर में एक ही पत्थर को काट करके उसमें गुफा से मतलब मंदिर तराशा गया है। इसे रंग महल भी कहते हैं, गुफा स्थापत्य का आश्चर्य भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, सभी याद रखिएगा। तो रंग महल किसको बोलते हैं? कैलाश मंदिर को रंग महल बोलते हैं। निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने कराया था, एकाश्म पत्थर से निर्मित है और गुफा स्थापत्य का आश्चर्य कहा जाता है। हालांकि जब मैं आगे कला संस्कृति का जिक्र करूंगा तो मैं इसको बाकायदा डायग्राम के साथ में बताऊंगा कि कैसे कैसी शैली में ये बना है, और एक एक जगह का मैं नाम बताऊंगा मंदिर के अंदर कैसे कैसे चीज़ें हैं, तो आगे चल करके मैं इसका हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एलिफेंटा गुफाएँ, जिनका पुराना नाम धारापुरी है। और ये जो एलिफेंटा नाम जो महाराष्ट्र में मुंबई से थोड़ी दूर पर एलिफेंटा द्वीप के पास में उसी पर स्थित है। और जो एलिफेंटा नाम दिया था वो दिया था पुर्तगालियों ने लोगों ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इस द्वीप पर कई सारी ऐसे आकृतियाँ बनी हुई थी, या कहें जहाँ पर मूर्तियाँ टाइप की हाथियों की बनी हुई थी, उन्हें एलिफेंट, तो इसी से उन्होंने एलिफेंटा नाम दे दिया। ये मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है, ये जो एलिफेंटा है मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है, लेकिन अपवाद स्वरूप इसकी दो गुफाएँ जो हैं वो बौद्ध हैं, तो याद रखिएगा। गुफा संख्या 1 सबसे प्रसिद्ध है, यह भी याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछ ही ले सबसे प्रसिद्ध कौन सी है, तो गुफा संख्या 1 सबसे प्रसिद्ध है। तो आज के इस वीडियो में राष्ट्रकूट वंश यहीं पर ख़त्म होता है। आगे आने वाले समय में मैंने बताया आपको कई सारे टॉपिक जो हैं वो बचे हुए, लेकिन आज ऑफिशियली तरीके से आप एक कह सकते हैं प्राचीन इतिहास का एक श्रृंखला का जो है वो अंत हो गया है। तो प्राचीन इतिहास आज हो गई है समाप्त। हालांकि अभी प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे तो प्राचीन इतिहास में तो अभी हम थोड़ा बात करेंगे, जब हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलनों की, धार्मिक आंदोलनों की बात करेंगे, और हम थोड़ा सा सूफीवाद का भी हम जिक्र करेंगे, और अभी हम दक्षिण भारत में देखेंगे तो होयसल हमें पढ़ना है, यादव पढ़ना है, देवगिरी के यादवों के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, और भी बात करेंगे तो दक्षिण कश्मीर में साहमीर वंश है उसको हमें देखना है, और बाकी फिर आने वाले समय फिर हम तोड़ तोड़ कर वीडियो बना देंगे इसी में। जैसे हम बात कर लेंगे कि प्रमुख प्रमुख रचनाएं की बात कर लेंगे, प्रमुख रचनाओं की बात हो जाएगी, मतलब किसने कौन सी रचना किसकी है ये देख लेंगे, उपाधियाँ देख लेंगे और यात्री देख लेंगे। यात्री को तो हम एक साथ पूरा बता देंगे कौन कौन से यात्री हैं प्राचीन से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक।
तो उनको सब हम देख लेंगे। तो प्रमुख घटनाओं की बात कर लेंगे, उपाधियां देख लेंगे, यात्री देख लेंगे, तो इन चीज़ों को हम देख लेंगे। बाकी सूफीवाद, होयसल, यादव, शामिर, ये जल्द ही मैं बना दूंगा इनके ऊपर वीडियो, तो आप लोग देखिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि मैं बता दूँ, कल जो है वो एक टेस्ट आने वाला है, तो आप लोग देखिएगा, कल सुबह 11 बजे से 11 AM पे टेस्ट आएगा, तो आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा सुबह कल 11 बजे। वो दरअसल पूरी हिस्ट्री का रहेगा, संपूर्ण इतिहास का आप समझ सकते हैं, जिसमें से प्रश्नों की संख्या तो वैसे तो 25 ही रहेगी, लेकिन इसमें प्रश्न प्राचीन, आधुनिक और मेडिवल तीनों के रहेंगे, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।